हेलो, आज बनाते हैं आलू मंचूरियन, वो भी टिप्स के साथ। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, डोंट मिस इट। एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्राफ्टिस्टिक रोज वर्ल्ड। सो स्टे विद अस। आलू मंचूरियन बनाने के लिए हमको सबसे पहले एक बाउल में लेना है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, उसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड कर लीजिए। उसके बाद मैंने 1/4 टेबल स्पून के आसपास इसमें ऐड किया है पेपर पाउडर, मतलब गोल मिर्च पाउडर। रेड चिली पाउडर भी 1/4 टेबल स्पून लिया है, और 1/4 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसको मैं पानी के साथ थोड़ी कंसिस्टेंसी में घोल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा थिक नहीं और बहुत ज़्यादा फ्लोइंग भी नहीं होना चाहिए, एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर हमको या मिक्सचर हमको रेडी करना है। जब ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो हम इसमें प्री बॉइल्ड आलू के पीसेस को डिप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। प्री बॉइल्ड मीन्स मैंने उनको पहले ही काट करके बॉइल कर लिया है, थोड़ा नमक डाल करके। चलिए अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई में मैंने जो तेल लिया है ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे हॉट ऑयल है। इसमें मैंने डिप्ड आलू के पीसेस को मिक्सचर में डिप करके आलू के पीसेस को डीप फ्राई किया है। आप हमेशा हॉट ऑयल का ही यूज़ करें, क्योंकि उससे आपका जो ऑयल सोकिंग होती है, जो हमारे आलू के पीसेस तेल को सोख लेते हैं, वो कम हो जाता है और आपके जो पीसेस हैं वो भी यूनिफॉर्म सिंगल कलर में अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। इसके बाद आपको टिश्यू पेपर पे इनको बिल्कुल भी निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपका तेल जितना ठंडा रहेगा या जितना ज़्यादा आपका तेल कह लीजिए आपकी आप कम फ्लेम पे अगर फ्राई करते हैं, तो वो जो आलू के पीसेस आप फ्राई करेंगे वो ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेंगे। इसलिए जो आपका फ्लेम है वो हमेशा मीडियम टू हाई फ्लेम रखिए और हॉट ऑयल में ही डीप फ्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे पीसेस डाल दिए हैं। एक चीज़ और ख्याल कीजिएगा, अगर हो सके तो आप सारे पीसेस को सिंगल बैच में ही फ्राई करें, ताकि सबका सिमिलर कलर मिले आपको। अगर पीसेस की क्वांटिटी ज़्यादा है या आप ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं फ्राई करने के लिए वो क्वांटिटी कम है, तो आप मल्टीपल पैचेस में भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मेरे जो आलू के पीसेस हैं ये अब गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। जैसे ही मेरे पीसेस गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे मैं इनको तेल से निकाल लूँगी। तो देखिए यहाँ मेरे पीसेस अब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अच्छे क्रिस्पी दिखने लगे हैं। तो अब मैं इनको ऑयल से रिमूव कर लेती हूँ। सेम पैन में ही मैं ग्रेवी रेडी करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने सारे पीसेस को निकालने के बाद ऑयल को रिड्यूस कर लिया, और इसमें मैंने डाल दिया है लंबी कटी हुई 2 मीडियम शिमला मिर्च। ये लगभग वेट में 150 ग्राम्स थी। इसको हल्का सॉटे कर लूँगी मैं, और जब ये थोड़ी सी कुक होनी शुरू होगी, टेंडर होनी शुरू होगी, तो उस टाइम पे ही फिर मैं इसमें आगे डालूँगी अनियन। तो यहाँ देखिए अब ये मेरी पकनी शुरू हो गई है, और यहाँ देखिए ये थोड़ी टेंडर भी हो गई है। अब मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ, ये भी मैंने 2 मीडियम अनियन का यूज़ किया है, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, और ये भी लगभग 150 ग्राम है। आलू को मैंने यहाँ यूज़ किया है वो 250 ग्राम है, मतलब 1 पाव आलू मैंने यूज़ किया है। थोड़ा जब ये सॉटे हो गई, अनियन है उसकी लेयर निकल गई, तब मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड किया, और उसके साथ ऐड किया 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो नमक आप हमेशा जब भी आप डालेंगे, क्योंकि आपने बॉयल करने में आलू में भी डाला है, उसके बाद आपने उसके बैटर में भी डाला है, फिर आप यहाँ भी डाल रहे हैं, तो नमक थोड़ा देख करके डालिए, कम डालिए थोड़ा, बाद में आप भले ऐड कर लीजिएगा। और इसमें मैंने इसको हल्का सॉटे कर लिया है। यहाँ देखिए यहाँ मेरे जो मिक्सचर है, जो मेरी ग्रेवी का मटेरियल है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉटे हो चुका है, ब्राउनिश हो गया है। अब इसमें मैंने वाइट विनेगर डाला है, सफ़ेद सिरका 2 टेबल स्पून, और इसके साथ मैं डाल लेती हूँ 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तो सोया सॉस भी मैंने यहाँ 1 टेबल स्पून डाल लिया। अब मैं डाल लेती हूँ इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। जो टोमेटो सॉस होता है, टोमेटो केचप जो हम ऐड करते हैं, वो मेरे पास नहीं है, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया, वो स्किप कर दिया है, लेकिन आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे फ्लेवर बहुत एनहांस होकर आता है। जो मेरा बैटर बचा था आलू को डिप करने के बाद, मैंने वही मिक्सचर इसमें पोर कर दिया है, और उसको मिक्स करके मैं कुक कर लेती हूँ। अगर आपका बैटर ख़त्म हो जाता है तो आप सेम प्रोसेस से थोड़ा और बैटर बना लीजिए 2 टेबल स्पून का,
और उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ देखिए मेरी जो ग्रेवी है वो काफ़ी ज़्यादा कुक हो चुकी है, थोड़ा कलर इसका चेंज हो गया है, सोया का कलर आने लगा है और सच बताऊँ बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। आप लोगों को खुशबू दिख तो ज़रूर रही है ना। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया आलू के पीसेस, ये जो हमने फ्राई करके पीसेस निकाले हैं वही ऐड किए मैंने, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर इसको ओपनली ही चला के थोड़ा कुक करूँगी। चाहे तो आप ऑप्शनली इसको थोड़ी देर ढक भी सकते हैं, वैसे ये कंपल्शन नहीं है। और मैंने थोड़ी देर ढकने के बाद वापस खोल दिया है 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए ये मेरे जो ग्रेवी के साथ आलू के पीसेस थे वो अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ढकने से फ़ायदा ये होगा कि इनका जो फ्लेवर है, जो अरोमा है, वो ग्रेवी में रहेगी और मेरे पीसेस में भी फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। सो इट्स टाइम फॉर टिप्स, बट बिफोर दैट आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर करें, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब चलते हैं टिप्स पर। तो टिप्स में पहली टिप है, आलूओं को हमेशा छील कर काट कर थोड़े नमक के साथ उबालें, इससे उनका मैक्सिमम स्टार्च अलग हो जाता है। दूसरी टिप, मक्के के आटे मतलब कॉर्नफ्लोर में 1 चम्मच चावल का आटा मिला दें, इससे आपका जो बॉइल्ड पीसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। थर्ड टिप, जो आप मिक्सर बना रहे हैं उसमें पानी ऐड करे बिना सूखे मिक्सर का यूज़ करें, इससे भी क्रिस्पीनेस बढ़ जाती है, आप इसको वैसे ही यूज़ करें। एंड द लास्ट वन इज़, अगर आपको दिस टेम्पटिंग रेड कलर रेस्टोरेंट वाला चाहिए देन ऐड अ लिटल ऑफ फूड कलर। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, डू कमेंट अस, टेल अस योर एक्सपीरियंसेस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।